नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। अमरनाथ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। जम्मू भगवती नगर यात्री निवास से यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। ये पीछे हमारे देखेंगे गाड़ियों का काफी लंबा काफिला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और भोले बाबा के जो भक्त हैं वो भी काफी खुश हैं। अब जम्मू से ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि रामबन में खराब मौसम के कारण बारिश के दौरान रामबन में रोड डैमेज हो गया था, जिसके कारण ये यात्रा जो थी वो जम्मू से रोक दी गई थी। पिछले 3 दिन से 4 दिन से यात्रा रोकी हुई है, लेकिन अब इस यात्रा को एक बार फिर से आरंभ किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अरुण जी हैं उधमपुर से। अरुण जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये यात्रा जो है ये जम्मू में वापिस से इसको रिस्टोर किया जा रहा है, तो वहाँ रामबन का क्या क्या परिस्थिति है रोड की? क्या वो रोड ठीक हो गया या किसी दूसरे रोड से भेज रहे हैं? दीपक जी, हमारे वहाँ पे एक संवाददाता है मनीष गुप्ता, उनसे मेरी अभी बात हुई है। रोड को रिपेयर किया गया है, जो बह गया था उसको ठीक किया गया, लेकिन यात्रा जो है फिलहाल जो श्रीनगर में फंसी हुई थी उसको वापिस जम्मू के लिए लाया जा रहा है, जो वापिस आने वाली थी। अच्छा। और लगभग आज उसी को वापस किया जाएगा वहां से, और 4 बजे के बाद यानी शाम की बात की जाए तो जो चंद्रकोट में यात्री फंसे हुए हैं उनको अमरनाथ के लिए यानी श्रीनगर के लिए वहां से निकाला जाएगा शाम को। मतलब चंद्रकोट से श्रीनगर के लिए वहां जो उनको भेजा जाएगा। हाँ, पहले जब श्रीनगर वाली वापस हो जाएगी, जब वो कार्रवाई डाउन हो जाएगी उसके बाद चंद्रकोट वालों को निकाला जाएगा। और अगर उधमपुर में जो फंसे हैं उनकी बात की है तो एडिशनल डीसी से बात हुई है, उनका कहना है कि उधमपुर की यात्रा को फिलहाल आज नहीं छोड़ा जाएगा, ये कल सुबह छोड़ी जाएगी। अच्छा जी, मतलब वो अभी रोड ठीक हुआ है कि कोई दूसरे रूट से भेज रहे हैं? नहीं, उसी को रोड को बड़ा रिपेयर किया गया, तार को बिछाई गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि दोबारा बारिश ना पड़े, अगर दोबारा बारिश पड़ती है शायद जी जी। मतलब परिस्थितियाँ कुछ हद तक हम कह सकते हैं फेवर में है। हाँ, परिस्थितियाँ जो है कि रोड लगभग ठीक कर लिया गया है, ये अच्छी बात है कि अब चलो जो कश्मीर में फंसे हुए जो वापस घर को आ रहे थे उनको अभी छोड़ा जा रहा है वहां से, और जो जैसे मैंने बता दिया कि शाम को चंद्रकोट में जो यात्री फंसे हुए हैं अमरनाथ जाने के लिए शाम को उनको वहां से छोड़ा जाएगा, उसके बाद कल सुबह जो उधमपुर में फंसे हुए हैं या जम्मू से आएंगे तो उनको कल सुबह निकाला जाएगा यहाँ से। नहीं तो जो जम्मू से इनकी को जानकारी है, जो जम्मू से यात्रा छोड़ा जा रहा है वो कहाँ तक जाएंगी यात्रा? दीपक जी, उधमपुर में तो मेरी एडिशनल डीसी से बात हुई है, उधमपुर से यात्रा नहीं आ रही है, जो जम्मू में आ रही है। शायद मुझे लग रहा है कि जो लॉजिस वगैरह बुक किए गए हैं उधमपुर में काफी ज्यादा है और खाली भी है कुछ, शायद अगर वो उधमपुर की ओर आते हैं तो उनको उधमपुर में ठहराया जाएगा, आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है अभी तक। अच्छा जी, मतलब रोड एक बार फिर से मैं जानना चाह रहा हूँ, रोड ठीक है कि अभी काम लगा हुआ है? रोड ठीक कर लिया गया है यात्रा के लिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि काफी यात्रा श्रीनगर में फंसी हुई है ना, तो पहले इनका प्रायोरिटी बन गया कि जो फंसे हुए लोग हैं जो वापिस जाना चाहते हैं उनको निकाला जाए वहां से। जी, यहाँ वाले तो लोग बिल्कुल सेफ है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी दीपक जी, तो खुशखबरी यही है कि अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रिस्टोर की जा रही है, और रामबन में जो रोड टूटा था उसे कुछ हद तक ठीक कर लिया गया है। जैसे अरुण जी बता रहे हैं कि चंद्रकोट में जो यात्रु फंसे हैं उनको श्रीनगर भेजा जा रहा है, और जो श्रीनगर में कश्मीर में है उनको वापस शायद जम्मू लाया जा रहा है। तो शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ से एक लंबा जत्था आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन से ये यात्रु यहाँ पर वेट कर रहे थे कब इनका नंबर आएगा, कब ये यात्रा वापस रिस्टोर होगी, और कब ये वापस जो है वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखें, आप खुशी मनाते हुए भी दिख रहे हैं, भोले बाबा के जयकारे भी लगा रहे हैं, और प्रसन्न भी हैं लोग कि यात्रा वापस रिस्टोर हो रही है, मौसम ठीक है, धूप खिली हुई है, और ऐसे में उम्मीद यही है कि ये यात्रा जो है अब रुकेगी नहीं। लेकिन मौसम विभाग की जानकारियों के मुताबिक हो सकता है वापिस से बारिश हो, लेकिन अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी सर, मुकेश पाटीदार। कहाँ से हैं आप? हम MP धार से सर। अच्छा जी, तो यात्रा आज 3-4 दिन के बाद वापस से रिस्टोर हो रही है, कितनी खुशी है? अरे सर, बहुत खुशी हो रही है, बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए आज, बहुत खुशी हो रही है सर। मालूम है आपको कहाँ तक जाएगी यात्रा? सर ये जाएगी ना बालटाल से, हुए हमारा वहाँ से, तो वहाँ से फिर
ये प्रशासन के हिसाब से करेंगे राय यात्रा तय। अच्छा। जी पहली बार आ रहे हैं? जी सर पहली बार। पहली बार आए? जी सर काफी उत्साह है सर। जी सर जम्मू दर्शन भी किए? नहीं हो गया ना सर, कंप्लीट पूरा कंप्लीट हुआ सर, जम्मू का देखा वगैरह सब अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा आपका क्या नाम है? इनाजी महेश्वर खुलवे नाम है मेरा। कहाँ से? महेश्वर खुलवे, दिल्ली से। दिल्ली से कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा जी, बहुत ही आनंद। काफी यात्री जो है वो खुश है, बम बम बोले के जयकारे जो है ये यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अच्छी खबर यही है, जोश उत्साह जो है वो आप यात्रियों में दे सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यही है कि यात्रा एक बार फिर से जम्मू से रिस्टोर की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये यात्रा जो है यहाँ पर वापस रिस्टोर की जा रही है। कहाँ तक जाएगी, क्या होगा, रामबन का जो रोड है उसको